हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा लेंगे। ये आटा मैंने पहले से ही गूंथ कर रखी थी, हमने रोटियां बनाते हैं ना उसके लिए रखते, तो वही आटा है। अब इसमें हम थोड़ी सी घी लगाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे इस पे। अब इसे चम्मच से हल्का मिक्स कर लेंगे। अब इस आटे को इसमें मिलाकर अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेंगे, एकदम सॉफ्ट डो, जिससे ये इसका कुल्हड़ जो बनाएंगे हम वो काफ़ी क्रंची बनेगी। देखिए, ये आटा मैंने तैयार कर लिया, एकदम सॉफ्ट तैयार हो गया है ये। अब इसे हम दो पार्ट में कर लेंगे क्योंकि हमें दो बनाना है। अब इसे हम बेल लेते हैं, हमें बड़ा सा रोटी बेलना है, बड़े साइज़ का एक। हल्का सा आटा लगाकर ये देखिए, बड़ी सी रोटी हमें बनानी है। अब हम एक इस शेप में गिलास लेंगे, जो हर किसी के घर में होता ही है। ऐसे इसके ऊपर हम घी से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम आटा इस पर लगाएं तो ये आसानी से निकल सके। अब इसे हम बीच से दो पार्ट में काट लेंगे। एक पार्ट को हम रख देंगे साइड में, दूसरे पार्ट पे हम ये इस तरीके का गिलास लेकर इस पे हम आटे को चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते करते इसे हम सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ से बराबर इस पे लगा लेंगे। और नीचे वाले पार्ट को हम अच्छे से कवर कर लेंगे आटा से पूरी तरह। ये देखिए इस तरीके से अब इसे हम पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेट करेंगे ताकि इसे हम खड़ा करें तो अच्छे से प्रॉपर खड़ा हो सके। हल्का सा और प्रेस करेंगे, एकदम बराबर कर लेंगे नीचे वाला। ये देखिए अब ये अच्छे से खड़ा हो जा रहा है। अब मैंने यहाँ तेल गर्म रखा है, अब इसमें हम डालेंगे इसे। इसे हम चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा कर सेक लेंगे हम, ताकि कहीं से ये कच्चा ना रह जाए। देखिए ऊपर भी तेल डालते रहेंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से पक जाए। ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छे से सेक चुका है, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अब इसे हम
निकाल लेंगे। ये देखिए इसे एक चिमटा की हेल्प से निकालें। अब मैंने आलू थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। आपके पास बॉयल आलू हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आलू हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, बस इतना ही फ्राई करना है हमें इसे। अब इस निकाल लेंगे, तब तक हम कुछ सब्जियां तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़े से मैंने कॉर्न लिए हैं और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम एक बोल में डाल लेंगे, जो हम अपने कुल्हड़ पिज्ज़ा में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे। बच्चे को तो देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं इसे। अब थोड़ा सा वेज मेयोनी डालेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, हल्का सा ओरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्सचर तैयार है। अब हमने जो कुल्हड़ निकाला था, मैंने इसे ग्लास में से निकाल लिया है। अब इसमें हमने जो सब्जियां तैयार की है उसे डालेंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा कुल्हड़ तैयार हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए सब्जियां हम इसी तरह इसमें डाल लेंगे दोनों कुल्हड़ में। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें हमने जो आलू फ्राई करके रखा था उसे डाल लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आपके पास चाट मसाला हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ सेव डाले हैं इसमें, बेसन वाला। आपके पास कोई भी नमकीन हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम ग्रेट की हुई चीज़ डालेंगे। अब वो सब्जियां हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे। दोनों कुल्हड़ में हम फिर से सब्जियां डाल देंगे इसे एक लेयर इसकी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब इसके ऊपर फिर से हम चीज़ डालेंगे। अब मैंने थोड़ी सी सब्जियां रखी थी उसके ऊपर लगा देंगे, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए एक कढ़ाई लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई को। अब इसमें हम ये दोनों कुल्हड़ को रखेंगे।
और एक छोटी सी कटोरी में हम पानी रखेंगे ताकि इसका टेम्परेचर बैलेंस रहे, और एक बड़े से बर्तन से इसे कवर करके हम 2-3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब रेडी है, बनकर तैयार है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया कुल्हड़ पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप इसे गर्म गर्म सर्व करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है।